सो गाइस, बेसिकली आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो सर्कुलर वॉचेस को, और दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती हैं। और एटम का तो मैंने एक प्रीव्यू बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। फायरबोल्ट की एटम आने वाली बहुत जल्दी और सेल पे जाएगी, और कहीं ना कहीं मेटेलिक बिल्ड के साथ आती है, और कॉलिंग फैसिलिटीज़ में भी मिल जाती है देखने के लिए। वैसे आप चैनल पे आके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। साथ ही में गाइस, आप सभी के लिए कूपन कोड्स भी अवेलेबल हैं। आप क्रॉसबीट की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे बेसिकली टेक्पो के ऐसे कूपन कोड डालते हो तो आपको फ्लैट 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे बोल्ट 10 यूज़ कर लेना, आपको अराउंड 150 का कैशबैक मिल जाएगा। नॉइस की वेबसाइट पे आप जाते हो तो फ्लैट 200 यूज़ करके आपको अराउंड 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब थ्रू माई लिंक एप्लीकेबल होगा, नॉइस वाला और आपका फायरबोल्ट वाला। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दूंगा उस लिंक पे आपको जाना है। क्रॉसबीट का तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टेक्पो कूपन कोड यूज़ डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही वॉचेस की, तो कर ही लेते हैं बात। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं दोनों में ही सिमिलर है। 1.3 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही, और AOD का ऑप्शन मिलता है, और रेस्ट टू वेक भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट कंपनी ग्लास यूज़ करती ही है। और साथ ही में आगे बात करें यहाँ पे शार्पनेस की, तो स्लाइटली ज़्यादा है डिजो वॉच आर में एज़ कम्पेयर टू एटम, और 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है दोनों ही वॉच में। तो यहाँ पे सनलाइट रीडेबिलिटी विजिबिलिटी दोनों में ही आपको बेटर मिल जाती है। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, क्राउड फेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो आपको डिजो मिल जाएगा, बट एटम में मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। एटम में आपको एनालॉग तो मिल जाएंगे, बट लाइव वॉच फेस का मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। हाँ, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, ये फीचर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ फिटनेस मोड्स की बात हम करें तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, एटम में भी आपको 120 तक मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे दे रही हैं, और IP68 रेटेड भी है यहाँ पे डिजो वॉच आर टॉप। एटम की बात हम करें तो IP67 रेटेड है, तो यहाँ पे 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक है। डीप सबमर्जेबल तो दोनों में से कोई सी वॉच नहीं है, बट ओपन स्विमिंग का ऑप्शन आपको डिजो वॉच आर टॉप में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू एटम, और 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में, तो ये अच्छी बात है। और सिंगल ब्लूटूथ चिप का यूज़ किया गया डिजो वॉच आर टॉप में एज कम्पेयर टू एटम। एटम आपका ड्यूल चिप का यूज़ किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको है कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ड्यूल चिप में दूसरी चिप को भी मतलब दूसरा प्रोफाइल को भी कनेक्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है, बट डिजो वॉच आर टॉक में वो इशू नहीं होगा। और एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैस्पर सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट डिजो वॉच आर टॉक में आप अपनी वॉच में सॉन्ग नहीं सुन पाओगे, ये भी एक इसका फ्लॉ है। और एटम में आप वॉच में इटसेल्फ आप सॉन्ग्स को सुन सकते हो थ्रू योर फोन। आगे बात आती है यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिल जाता है दोनों में ही यहाँ पे, अच्छी बात है। और रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फुल टच पैनल है, स्मूथ मिल जाएगा दोनों का ही, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ज़्यादा आपका कह सकते हो लेटेस्ट है आपका डिजो वॉच आर टॉक में एज कम्पेयर टू एटम। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट इवन मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। अब बात आती है एंड्रॉइड या iOS से, यस आप पेयर कर सकते हो। दाफिट से आपकी पेयर होगी आपकी एटम फायरबोल्ट की, और डिजो वॉच आर टॉक आपकी पेयर होगी डिजो एप्लीकेशन से। अब बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में यहाँ पे अपना अपना कस्टम यू यूज़ कर रखा है, लिस्ट और आई वॉच वाला मेन्यू मिल जाएगा आपका एटम में, डिजो वॉच आर टॉक में एक लिस्ट और एक ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाएगा। ड्यूल बटन कंट्रोल दोनों मिल जाएगा, वैसे गेस्चर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्यूल बटन का मतलब है ऊपर वाला मेन्यू के लिए, नीचे वाला आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 300 mAh यूज़ करेगी डिजो वॉच आर टॉक में, और एटम में 280 mAh यूज़ करेगी, तो डिजो वॉच आर टॉक ज़्यादा बैटरी बैकअप देगी एज कम्पेयर टू एटम। 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया कंपनी तरफ से, और एटम में 7 डेज का क्लेम किया गया। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 8 दिन का रन टाइम दे सकती है डिजो वॉच आर टॉक। एटम आपका 5 दिन तक चल जाएगी एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो, बट अगर आप कॉलिंग वॉलिंग भी कर रहे हो प्रॉपरली, यहाँ पे हैवी यूज़ कर रहे हो, तो 1 से 2 दिन चल पाएगी आपकी एटम, और डिजो वॉच आर टॉक आपकी अराउंड चल जाएगी 3 डेज तक मैक्सिमम उठा देगी, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो 1 से 1.5 दिन ही चलने वाली है दोनों ही वॉचेस। मेन फीचर्स की बात आती है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीद रिलैक्स मोड मिल जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में ही देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं दोनों की टॉप नॉच मिलती है। एल्युमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील का डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है या हार्ड प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। वैसे 22mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आपको चूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, और साथ ही में सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का भी यूज़ किया गया है।
और आगे बात करें, वॉच डायल मेटल है, बेस पॉली कार्बेट मिल जाते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया दोनों ही कंपनी की तरफ से। बट अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की और कंक्लूजन की, तो यहाँ पे प्राइसिंग कहीं ना कहीं डिज़ो वॉच आर्टॉक की ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू एटम। और अभी डिज़ो वॉच आर्टॉक करीब 13 तारीख को सेल पे जाएगी, वैसे 7 दिखा रहा है उस पर आई नो, बट एग्जैक्ट डेट मेरे ख्याल से 13 तारीख को जाने वाली है। एटम आपकी 12 को ही आएगी मेरे ख्याल से, 12 या 11 तारीख को आने वाली है ये भी। एग्जैक्टली मैं आपको दे दूंगा लिंक, आप जाके चेक कर सकते हो वैसे। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं कि कौन सी बेटर है। तो वैसे आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। यहाँ पे अगर हम बात करें डिज़ो वॉच आर्टॉक की, यहाँ पे आपको सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, जो कि ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एटम। स्लाइटली ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, स्लाइटली का मतलब है आपको 4 से 5% तक की एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाएगी। एटम की बात हम करें तो यहाँ पे ड्यूल चिप का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आप सॉन्ग सुन सकते हैं द वॉच इटसेल्फ, जो आपको डिज़ो वॉच आर्टॉक नहीं देती है। तो यहाँ पे एटम के अपने फायदे हैं और डिज़ो वॉच आर्टॉक के अपने फायदे हैं, और सारे के सारे फीचर्स सेम ही मिलते हैं मेरे ख्याल से। एटम में अगर कैलकुलेटर मिल जाएगा तो अमेजिंग रहेगा, क्योंकि डिज़ो वॉच आर्टॉक में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। बट मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको एटम का ज़रूर लेके आऊँगा, डिज़ो वॉच आर का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश करूँगा डिज़ो वॉच आर्टॉक का भी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वोट जाता है वैसे फिलहाल तो एटम के लिए, क्योंकि प्राइसिंग भी कम रहने वाली है डिज़ो वॉच आर्टॉक से। और दूसरा, यहाँ पे इन द वॉच इटसेल्फ आप सॉन्ग्स को भी सुन सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरे डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपको क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।